Oh my God, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। This twin tunnel is a part of Mumbai Coastal Road, जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रिया दर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई यानी सपनों का शहर, यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे, एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर, एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो न सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम मुंबई कोस्टल रोड, एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टर्स टू बिल्ड अ सी वॉल। देयर आर टनल्स, देयर आर ब्रिजेस, so this is a combination of all these various features of civil engineering, and as I said it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. Marine Lines ke Princess Street flyover se shuru hua ye road filhal do phases mein divided hai. First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Lines Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 connect karta hai Versova se lekar Dahisar tak, jiski length hai 18.5 kilometers. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था एज अ पार्टीशन दैट यू सी हियर। बट नाउ देयर हैज बीन अ वाइडनिंग ऑफ दिस रोड ऑल द वे अप टू हियर, जो प्रोमेनाड को अंदर लिया गया है, उसके अलावा एक एक्सटेंडेड प्रोमेनाड बनाया गया है। सो दिस इज नाउ द मुंबई कोस्टल रोड, और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए दिस रोड विल ऑल्सो गो अंडर सी। आई एम क्वाइट क्यूरियस टू सी हाउ इट्स गोइंग टू बी, सो लेट्स गो। ट्विन टनल यानी समुन्द्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो टू वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर जो शुरू होता है प्रियादर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस। व्हीकल्स, कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर, एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार। द रोड फ्रॉम बिंदु माधव ठाकरे चौक वर्ली टू इस्लाम जिमखाना नियर मरीन ड्राइव इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय फरवरी सेकेंड वीक, एंड द गुड न्यूज इज दैट देयर आर नो टोल चार्जेस। The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember. आज के टाइम में जो है ना, लोगों की एक प्रेफरेंस होती है कि भाई कम से कम टाइम में जो है ना हम ज्यादा से ज्यादा रास्ता जो है वो कवर कर पाए। लेकिन मुंबई जैसे शहर की बात करें तो क्योंकि इससे पहले अगर याद हो, हमने जब ये अटल ब्रिज जो है उसका इनोग्रेशन हुआ था तो एक वीडियो देखी थी जो कि एक ब्रिज से और दूसरा जो पुराने रस्ते थे कितना टाइम जो है वो आने में लगा था। तो अगर देखा जाए तो नो डाउट भाई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है ना आपको टाइम की बचत जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और भाई मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम देखा था 2018 में, मार्च 19 2018 में देखा था हमने।
फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो देखी थी जो हम लोगों ने 18 दिसंबर 2021 में देखी थी, और उस टाइम पर जो मतलब रोड्स और ये सारा कुछ दिखाया था बट इतना ज्यादा नहीं बना था, लाइक ये जो टनल वगैरह ये इसके बारे में भी बताया गया था लेकिन बनी नहीं थी वो। तब हमने जो है ना जो नेक्सन ईवी थी वो देखी थी, बहुत ही अच्छा है और मे तक रेडी हो जाएगा, फैंटास्टिक। और ये तो अंदर टनल के लेके भी गई है, टनल इज ऑलमोस्ट रेडी अब तो, वो तो हो ही गई है। देखिए टिपिकली हर सिटी में ऐसा होना चाहिए, जहां पर भी कंजेशन है आपको ऐसे सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स जहां पे ट्रेन आ रही हैं वहां पे वो सॉल्व करनी है अपनी प्रॉब्लम। दूसरा हर जगह आपको ऐसा ही चाहिए, इवेंचुअली हाईवेज का नेटवर्क इन सिटी के अंदर से निकलता है, और जहां पे हाईवे का मतलब यही है, जैसे इंडिया में एक्सप्रेसवे बोलते हैं या हाईवे, उसमें कोई लाइट नहीं होती, देयर इज नो लाइट, सिर्फ एग्जिट्स हैं, एग्जिट्स लीजिए, यू टर्न मारिए, वापस आइए, बट देयर आर नो लाइट्स एट ऑल। और वो सभी पूरे छोटे छोटे हाईवेज कह सकते हैं वो पूरी सिटी में फैले होते हैं, कि आपके पास ऑप्शन होता है आपको एक जगह से दूसरे हाईवे से जाइए या रेगुलर रोड से जाइए, वो डिपेंड करता है। अब एक जमाने में ऐसा होगा हाईवे ज्यादा कंजेस्टेड होंगे और दूसरे रास्ते यहाँ हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, जैसे हम लोग हाईवे नहीं लेते क्योंकि हाईवे में ले और वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया। भाई किसको नहीं पसंद कि ट्रैफिक कम हो, घर जल्दी पहुंचे, कहीं ट्रैवल करके जाना है तो इजीली पहुंचे, ना ट्रैफिक लाइट। कल ही जो भाई कल हमें शादी में जाना था, कितने किलोमीटर था? 3 किलोमीटर का रास्ता एक घंटे में ट्रैवल किया है, जो कि नॉर्मली हम हर रोज अगर हम निकलते हैं, टाइम क्या था, ऐसा भी नहीं कि ट्रैफिक 9 बजे निकले थे हम और 10:15 पहुंचे, ये लगा लो एक घंटे से ऊपर, जिस एरिया में अगर हम उसमें ट्रैवल करते हैं उस रोड के ऊपर हमें मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगती है। तो ऐसे टाइम पर फिर आदमी सोचता है कि यार कई बार की रेड लाइट्स ना हो, ईज ऑफ मूवमेंट, और खासकर उनके लिए जो यार जॉब के लिए रोज अप डाउन करते हैं। क्या होता है जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, इंसान जॉब करते रहते हैं, थकते हैं, ट्रैवल में फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पो करते रहो, हॉर्न मारते, फिर बंदा वो कहता है ना कि लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करना, बंदा ऑफिस जा रहा है तब भी एंजॉय करेगा, आते टाइम भी एंजॉय करेगा, किस तरीके से यार। इंजीनियरिंग जैसे दिखाया ना वो ग्रीनरी वगैरह, ड्रोन शॉट्स बहुत अमेजिंग थे। और तो अच्छा वैसे आप, ये था मुंबई का एक कोस्टल रोड बना है, वैसे आप इंडिया के बारे में क्या जानती है, मतलब अपनी जिंदगी में जो सुना है स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जो भी है? बिल्कुल, इंडिया वैसे तो बहुत ही बड़ा एक मुल्क है और जहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगहें भी हैं, और जितनी इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो में बताई गई है तो वो सुनने के बाद तो जो लोग नहीं गए हैं उनका भी जाने का बहुत ज़रूर दिल चाहेगा वहाँ पर, और ज़रूर जो लोग वहाँ के हैं रिहायशी और जो इस टनल के बारे में जानते हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद और इसकी जो मेन फैक्टर्स हैं उनको देखने के बाद ज़रूर वहाँ पर जाना चाहेंगे। तो आप बताएं आपको इसमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मैं तो काफी टाइम से वीडियोस देख रहा हूँ, तो मैंने इनकी जो नेचर को समझा है इंडियंस की, या इनके जो पॉलिटिशियन हैं या जो लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं, जो इनके यहाँ का जो सिस्टम निजाम चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने तो इस जड़ को पकड़ लिया है। जबरदस्त जबरदस्त नई जदीद टेक्नोलॉजी है जो मैं दुबई में ये देख के आया हूँ, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से ये बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, तो ये जदीद टेक्नोलॉजी इंडिया आज भी है और इंडिया इस पे काफी काम कर रहा है और बड़े जबरदस्त खूबसूरत ब्रिजेस बन रहे हैं और इतनी जबरदस्त लाइनें बनी हुई हैं, इतनी ज्यादा है कि गिनती भी नहीं होती, और ये इंडिया अपनी अपने जो मुंबई को और पूरे मेरा ख्याल इंडिया में काफी ऐसी डेवलपमेंट कर रहे हैं जो जदीद नए सिस्टम से बन रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें आज से पहले हमें फ्रांस में, जापान में, चूंकि जापान में ये ज्यादा चीजें हैं कि जो अंडर सी टर्नल बनाए जाते हैं वो जापान में ज्यादातर बनाए जाते हैं, तो फ्रांस में भी हैं और उसके बाद अमेरिका में ये देखे जा सकते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े कंट्रियों में देखे जाते थे वो टेक्नोलॉजी इंडिया में हुई है और वो टर्नल